पाइए बेस्ट ऑफर्स के साथ मोस्ट कंफर्टेबल व सेफ राइड सिर्फ और सिर्फ एमपी कैब पर। आज ही गूगल प्ले स्टोर से एमपी कैब की एंड्रॉइड ऐप डाउनलोड करें या विजिट करें www.mpcab.in। नमस्कार, मैं हूँ ब्रह्मदत्त दुबे। आप सागर एक्सप्रेस न्यूज का खास कार्यक्रम देख रहे हैं। मध्य प्रदेश में अपराध अब चरम पर है। आलम यह है कि सरेआम घर में घुसकर अपराधी लोगों का किडनैप कर रहे हैं, उन्हें जान से मारने की कोशिश कर रहे हैं। खबर मध्य प्रदेश के सागर जिले के देवरी क्षेत्र से जुड़ी है, जहाँ कुछ बदमाशों ने महज छोटी सी यानी पटाखे फोड़ने को लेकर वजह बताकर एक युवक का किडनैप किया और उसे जान से मारने की कोशिश कर रहे थे। हालांकि अब आरोपी सलाखों के पीछे है। क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट सागर एक्सप्रेस न्यूज के साथ। बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर मध्य प्रदेश कल भी बदनाम था, आज भी अमूमन वही स्थिति है। आलम यह है कि अपराधियों के हौसले इस कदर बुलंद है कि यहाँ यूपी और बिहार स्टाइल में हथियारों से लैस होकर बंदूक की नोक पर लोगों को किडनैप किया जा रहा है। ऐसी एक बेहद सनसनीखेज खबर मध्य प्रदेश के सागर जिले के देवरी से जुड़ी है, जहाँ हथियारों से लैस होकर 5 से 6 लोगों ने एक युवक को बंदूक की नोक पर किडनैप कर उसे बुलेरो गाड़ी में डालकर जंगल में ले गए। पुलिस ने सूचना पाते ही घेराबंदी की, नाकाबंदी की और युवक को आरोपियों से आजाद कराकर आरोपियों को हिरासत में लिया है। पुलिस की माने तो इस अपहरण की वजह सुनकर आप चौंक जाएंगे। आरोपियों ने इस युवक का किडनैप इस वजह से किया था कि वो उनके घर के सामने फटाके फोड़ता है, जबकि परिजन कुछ और ही बयां कर रहे हैं। असल में देवरी के रहने वाले अमित सिंह राजपूत, जो कुसुम बिहार कॉलोनी का रहने वाला है, उसे रंजीत शर्मा, कपिल शर्मा, लक्ष्मीकांत शर्मा, रजनी शर्मा, निखिल शर्मा के साथ अन्य 2 लोग बंदूक की नोक पर अपहरण करके ले गए। रंजीत शर्मा थी, 315 लिए थे, 3-4 लोग थे, 2 कट्टे रखे थे रंजीत शर्मा, उनका बड़ा भाई रजनी शर्मा और वो निखिल शर्मा और उसे क्या कहते कपिल शर्मा। किसने, कपिल शर्मा ने हमारे लिए उधर घर से बुलाया कि इधर आओ। हम उधर गए और इन लोगों ने हमें कम से कम उधर 8 लोगों ने गाड़ी में डाल दिया, बुलेरो गाड़ी में, और कान पे हमारे कट्टा लगा दिया और 3-4 लोग बंदूक लिए थे और हमें फटाका पकड़ा दिए। इन लोगों ने हमारे लिए बहुत मारा, गाड़ी में ले जाके हमारे लिए इन लोगों ने, ये लोग हमारे लिए अपने खेत पे ले गए और वो उधर पे 20-25 लोग हो गए, इनके घर लोग घर के भी आ गए, इन्होंने उधर भी हमारे लिए मारा और उसे रसेना के जंगलों में एक फार्म हाउस पर ले जाकर मारने की कोशिश करने लगे। अमित के पिता यशवंत राजपूत ने इसकी खबर बबलू यादव को मोबाइल पर बताई, साथ ही उन्होंने पुलिस को भी यह खबर दी। रसेना गांव के कुछ आरोपी उसके बेटे को घर से उठाकर ले गए। पुलिस ने नाकाबंदी की और युवक को आरोपियों के चुंगल से आजाद करा दिया। आरोपी अब सलाखों के पीछे। परिजन और पीड़ित की माने तो आरोपी पीड़ित के मकान पर कब्जा करने की नियत रखे थे, उसी वजह से इन्होंने अपहरण किया है। अच्छा, FIR हो गई उसमें? FIR जो 6 लोग थे जिनने उनका अपहरण किया था हमारे भैया का, तो उसमें 6 लोग थे, 5 लोगों के नाम पे FIR हुई है अभी। और जो मुख्य आरोपी थे रंजीत शर्मा, जिनने भैया को उठा के बलेरो में रखा था और मुंह में कपड़ा लगाया था, उनका नाम छोड़ा जा रहा है। और जब हम अपने पिताजी के साथ हम लोग इधर रिपोर्ट करने आए थाने, तो 5 लोगों के नाम FIR दर्ज हुई है और मुख्य आरोपी रंजीत शर्मा है, जो हमारे भाई ने बताया है कि इनने उठा के हमें गाड़ी में रखा था और मुँह में रुमाल लगाया था, उनको छोड़ा जा रहा है। तो FIR हो गई आपकी? अब FIR करवाई है, तो बच्चा ने 6 नाम बताए थे, 5 नाम है, एक नाम है नहीं है रंजीत शर्मा को। जबकि परिजनों का यह भी आरोप है कि एक व्यक्ति को जो मुख्य आरोपी उसे पुलिस बचा रही है। खैर, पुलिस का तो काम यही है, कुछ ना कुछ पुलिस करेगी। रात्रि को ये यशवंत सिंह है, इन्होंने थाने में आकर के रिपोर्ट की थी कि इनका लड़का है अमित राजपूत, उसको 5 व्यक्ति
फोर व्हीलर से उठा करके ले गए हैं। इस पर से धारा 364 का अपराध कायम किया गया और फिर रात में ही इसकी सतत पता तलाश की गई है। पता तलाश के दौरान आरोपी भी मिल गए हैं और इसमें अमित राजपूत को भी दस्तयाब किया गया है। इसमें राहुल सोनी, निखिल शर्मा, रजनीश शर्मा, कपिल शर्मा और लक्ष्मी नारायण शर्मा, ये पांच लोग इसको अमित राजपूत को उठा करके ले गए थे हत्या करने के उद्देश्य। पुरानी रंजिश पे अभी तक निकल के ये आ रहा है कि आरोप पक्ष का कहना यह है कि ये पटाखे फोड़ दिया करता था अमित राजपूत, इसलिए इन लोगों ने उसको उठा करके इस तरह की कार्रवाई की। बहरहाल छोटे मोटे मामलों में यहाँ किडनैप हो जाते हैं और हत्याएं हो जाती हैं। अपराध को रोकने में कल भी पुलिस नाकाम थी और आज भी यही सिलसिला बदस्तूर जारी है। उसकी वजह है कि खाकी का खौफ यहाँ से खत्म हो गया। अनुराग विश्वकर्मा, सागर एक्सप्रेस न्यूज़, देव।